हाय गाइज, आप कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी जगह पर खूब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको पॉजिटिविटी की तरफ एक नया कदम बढ़ाने के लिए कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इससे आप सभी स्वस्थ रहेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हर इंसान में के साथ दुख सुख लगा ही रहता है। संपूर्ण इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी को भी कुछ समस्या है, किसी को कुछ समस्या है या परेशानी है। आज हर इंसान स्ट्रेस लेकर जी रहा है। इस स्ट्रेस लेवल को कुछ कम करने के लिए मैं आपको आज एक ऐसा साधन बताने जा रही हूँ जिससे स्ट्रेस लेवल तो आपका कम होगा ही, साथ में कुछ फायदे भी होंगे। यह मेरा मानना है कि हम गृहिणियों के पास एक छोटा सा किचन गार्डन तो होना ही चाहिए। गाइज, गार्डनिंग करना एक बहुत ही अच्छा शौक है, हॉबी है। यह आपके स्ट्रेस लेवल को तो कुछ कम करता ही है। ये मैं नहीं कहती कि आपका स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, परंतु कुछ हद तक कम जरूर हो सकता है। यदि आप अपनी कल्पना शक्ति से यह देखिए फिर कि आप अपना किचन गार्डन कहाँ पे बना सकती है। छत पर, किसी खिड़की में भी आप पौधे लगा सकती हैं, या फिर छज्जे पर, या फिर किसी ऐसी दीवार पर जहाँ धूप अच्छी आती हो। किचन गार्डनिंग बनाना आपका बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आज मैं आपको किचन गार्डन गार्डन में पुदीना उगाना बताऊंगी। आप सभी जानते हैं कि पुदीना गर्मियों के लिए एक रामबाण औषधि है और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी छोटी छोटी ग्रीन पत्तियाँ हमारे स्वास्थ्य को सुधारने जादू जैसा काम करती हैं। यह पेट संबंधी सभी परेशानियों को दूर करके हमें राहत प्रदान करती है। चाहे हमें उल्टी आए या जी मिचलाए आदि समस्याओं में भी इसका भरपूर सेवन किया जा सकता है। एक्ने हो या हमारी स्किन पर पिंपल हो जाए तो इसकी पुदीने की छोटी छोटी पत्तियों को मतलब पीस करके एक्ने और पिंपल पर लगाकर उसे दूर किया जा सकता है। यह सांस में आने वाली बदबू को भी हटाने में सहायक है और यह हमारी इसके खाने से हमारी याददाश्त भी बढ़ाने में हमारा ये सहायता करता है। तो इसको यूज़ करने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि इसकी चटनी बनाकर ली जा सकती है। इसको नींबू पानी में पीस कर नींबू पानी में मिला कर लिया जा सकता है। इसको दही में डाल कर लिया जा सकता है। और भी पुदीना हमारे जीवन में जितना ही उपयोगी है, इसको लगाना उतना ही आसान है। देखिए कैसे कि मैंने ये डंडियाँ तोड़ी थी, इनकी मैंने पत्तियों को तोड़ लिया कुछ इस प्रकार से। देखो, ये हमारी चटनी बनाने के काम आ जाएंगे, और या हम इससे और भी कोई रेसिपी बना सकते हैं। तो इनकी जो डंडियाँ बची हैं, जैसे ये है लाइक दम, मैंने इनको पहले ही इनकी नीचे वाली पत्तियों को रिमूव कर लिया था और लगाने के लिए रख लिया था। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे होल कर लेंगे छोटे छोटे, और इन होलों में एक एक डंडी को लगाते चले जाएंगे। मैंने इनको लगा दिया है। ऐसे ही अगर आपके घर में समझो कि पुदीना नहीं है, तो आप बाजार से जो गुच्छी लाते हैं वो डंडियां भी आपकी लग सकती हैं। उनको रिमूव करके और उन डंडियों को लगा दो, एकदम मस्त चलेंगी और बढ़िया से लगेंगी। और जितना ज़्यादा धूप होगा, मॉइस्चर आपके पौधों में होगा, उतना ही पुदीना आपका अच्छा लगेगा। तो खूब पुदीना उगाए और स्वास्थ्य पाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप यदि ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।